हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने C++ लैंग्वेज में उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर समझा कि हम बेसिक इनपुट और आउटपुट किस तरीके से ले सकते हैं हमारे C++ प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो होगा हमारा प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो कि आपके काम आएगा आपके प्लेसमेंट पेपर्स के टाइम पर या रिटन पेपर्स के टाइम पर। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे मेन फंक्शन के अंदर कुछ हमने यहाँ पे सी आउट करा है और कुछ हमने सबसे पहले सी आउट करे हैं प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। सो सी आउट प्रिंट द नंबर्स, प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स, कुछ इस प्रकार हमने प्रिंट करा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे उसका हमारे उससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वैसे ही कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। फाइन, ये हमारे हमने सी आउट के थ्रू प्रिंट कराया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ फंक्शन, जिसके अंदर हम यहाँ पर डैश 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 प्रिंट करा रहे हैं। बेसिकली हम ये समझ पा रहे हैं कि क्या प्रिंट एफ फंक्शन का काम सी आउट के बाद किस प्रकार होता है। फिर हमने एक और सी आउट लिया है और इस सी आउट के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं द सम ऑफ 29 एंड 30 इज, द सम ऑफ 29 एंड 30 इज, और यहां पर हम डायरेक्ट सम करा रहे हैं 29 प्लस 30 का, और उसके बाद हम यहां पर एक और बैक स्लैश एन का यूज कर रहे हैं और ये ऊपर और फिर रिटर्न जीरो। So, इस केस में हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, हमारा क्वेश्चन यही है। सो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होगी, सबसे पहली बात हमें पता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का एरर नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटएफ स्टेटमेंट का भी उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पर हमारे C++ लैंग्वेज के अंदर भी। सी आउट भी सही लिखा हुआ है, ये वाला सी आउट भी सही लिखा है। एक यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है, क्या हम डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यूज का सम करा सकते हैं, तो हम करा सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एरर शो नहीं होगा। जिस प्रकार हम यहाँ पे डायरेक्टली a प्लस बी लिख सकते थे, जहाँ पे a की वैल्यू हम 29 और b की वैल्यू 30 लिखते, वैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट 29 प्लस 30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, क्योंकि पहले दो स्केप सीक्वेंस लगे हैं न्यू लाइन के लिए, तो सबसे पहले एक लाइन गई, दूसरी लाइन गई, तीसरी लाइन से प्रिंट होगा प्रिंट प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, सबसे पहले ये प्रिंट होगा हमारा। फाइन, फिर उसके बाद एक न्यू लाइन के लिए फिर से लगा स्केप सीक्वेंस, तो हम यहां से जाकर यहां आ गए, यहां पर प्रिंट हुआ है हमारा डॉट डैश डैश, तो ये डैश 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 प्रिंट होगा। फिर यहां पे न्यू लाइन लिखा है तो हम यहां आ गए, यहां आने के बाद प्रिंट हुआ है द सम ऑफ 29 एंड 30, और यहां प्रिंट कराया है 39 प्लस 29 प्लस 30 59 प्रिंट होगा। और फिर यहां पे दो न्यू लाइन लिखे तो हमारा जो कंपाइलर है वो एक न्यू लाइन दो न्यू लाइन यहां पर आकर हमारा प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। तो जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा वो कुछ इस प्रकार प्रिंट होगा।